साधन है बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट एयरलाइंस कई थी, एयरलाइंस बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिकी, LIC, टेलीफोन विभाग, रेलवे लाइन की जो पासपोर्ट जो जमीन पड़ी थी पास में उनके प्रस्ताव हो रहे हैं, रेलवे की जमीन जा रही है। जो लोग जिनके खेत नेशनल हाईवे के आसपास हैं, NH में जो नेशनल हाईवे में कानून आ गए कि आप 500 मीटर तक कोई भी कॉमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो आप सोचते थे कि मैं घुमकी लगा लूंगा, मैं खोखा लगा लूंगा, आप भूल जाओ उसको, आपकी ना घुमकी लगेगी ना आपका खोखा लगेगा। अगर किसी ने घुमकी खोखा लगाने का काम करा तो पूरा का पूरा खेत, वो खसरा नंबर, वो गांव समाज की जमीन में, गांव समाज में निहित होगा। तो बचेगा क्या? बचेगी देश में बेरोजगारी, भुखमरी। और आप लड़ते रहोगे जो 2013 में आप लड़े, आप उसमें लड़ाने का काम करा जाएगा। जब ये कानून की लड़ाई शुरू हुई दिल्ली में, हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे। अगर सरदार लोग आंदोलन में थे तो उनको खालिस्तान दी, कौन सा देश है खालिस्तान दी, या सिख कम्युनिटी जिन्होंने जंगलों को तोड़ के देश को अनाज दिया। 2013 में दंगे करवाने का काम सरकार ने करा, इनको खालिस्तानी बताओगे? अगर कोई मुस्लिम समाज से लोग हैं इनको पाकिस्तानी बनाओगे? क्या वो हम देश में करना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने झगड़े करवाए, इनके चक्र में हमें नहीं फंसना। जब हमने आंदोलन और आगे चला तो इन्होंने कहा कि छोटा बड़ा किसान है। जब आंदोलन जनवरी के महीने में हमको लाल किले पर लेके गई, लाल किले का कोई रास्ता नहीं जानता था, लाल किला डालमिया को बेच दिया, इनका लाल किला नहीं है। लाल किले पे अगर 2 दिन के लिए भारत सरकार देती है झंडा फहराने के लिए तो डालमिया को किराया देना पड़ता है। लाल किला ने कोई कानून नहीं बनाए, कानून भारत की पार्लियामेंट में बनाए, गलत तरीके से बनाए। अगर देश के किसान को जाना होता, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर थे, 20-25 लाख आदमी दिल्ली के अंदर थे, अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट में जाते। हमने उनको कहा कि जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपने बंद करा है, किसान अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता, ये कानून आ गया है दिल्ली में। हमने वही 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलाकर दिखाया, वो देश का ट्रैक्टर था, वे किसान भी देश के थे, वो ट्रैक्टर भी देश का है। ये कान खोल कर फिर सुन लो दिल्ली, वो ट्रैक्टर भी यही है और वो किसान भी यही है। अगर जाना होगा तो पार्लियामेंट पर जाएंगे, जब भी जाना होगा पार्लियामेंट के वहां पर जाएंगे। ये कानून वापसी ले लो, ये कानून वापसी ले लो। 3 काले कानून है आपके, MSP पे गारंटी कानून चाहिए। आप अपनी जो फसल बेचते हो, हम लाइन में लगे रहते हैं, देश का किसान लाइन में लग रहा है, वो अपनी 40 क्विंटल फसल नहीं बेच सकता, देश का व्यापारी 10,000 क्विंटल आपसे खरीद कर बेचता है। हमको भी वो मंडी और मार्केट बता दो कि कहां बेचता है वो 10,000 क्विंटल। आपसे खरीदी हुई सस्ती फसलें वो MSP पे बिकती है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का व्यापारी और यहाँ की सरकार मिली हुई है। देश में है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, ये कंपनी राज देश में नहीं चलेगा, कंपनी राज नहीं चलेगा। नारे भी सरकार बताएगी कि कौन सा नारा लगेगा, कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर नहीं है कि नारे कौन सा लगेगा। नारा जो लगेगा देश में वो लगेगा, हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जातियां, हर धर्म के लोगों का सम्मान होगा। कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा उसका सम्मान करा जाएगा। यहाँ पे हमको राइट्स दिए गए हैं संविधान में,
हमने नारे भी लगाए जो हमको संविधान ने दिए, वे नारे भी लगेंगे और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन भी चलेंगे। ये किसान, ये देश का नौजवान, ये महिलाएं, ये दुकानदार आपके खिलाफ निकल चुका है। आप जो एलिगेशन लगाओगे हम उनको सहन करेंगे। हम आपको देश नहीं बिकने देंगे। ये बहुत बड़े बड़े भाषण आपने कहे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आज वही प्रधानमंत्री है देश को बेचने का काम कर रहा। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.